हेलो दोस्तों, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, या आपके घुटने में आर्थराइटिस हो गई है, या आपके घुटने में इंजरी हो गई है, या डॉक्टर ने आपको नी कैप पहनने की सलाह दी है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नी कैप कैसे पहना जाता है, और नी कैप अगर आप मार्केट से खरीदने जा रहे हैं तो उसकी नाप कैसे ली जाती है, और नी कैप पहनने के फायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं, किस कंडीशन में पहना जाता है, किस कंडीशन में नहीं पहना जाता है, इन सब के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ आज बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नी कैप किस किस कंडीशन में पहना जाता है। सबसे पहले अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस हो गई है या आपके घुटने में गैप आ गया है, उस कंडीशन में नी कैप पहना जाता है। नी कैप पहनने से फायदा ये होता है कि जब आपके घुटने में सूजन होती है या घुटने में आर्थराइटिस होती है, जब आप नी कैप पहनते हैं तो वो आपके घुटने को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ के लोकल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब आप नी कैप पहन के बाहर निकलते हैं तो आप खुद अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके घुटने में कोई इंजरी हो गई है, उस कंडीशन में भी नी कैप पहना जाता है। जब आपको घुटने में इंजरी होती है तो वहाँ के लिगामेंट या मसल टियरिंग होती है, उसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप नी कैप पहन लेते हैं तो वो आपको एक एडिशनल सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से जो आपकी रप्चर्ड या इंजर्ड मसल्स होती हैं उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और उस मांसपेशियों को रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो आपकी मांसपेशियां या लिगामेंट इंजर्ड है वो जल्दी हील कर जाते हैं और आपको को जो इंजरी हुई है जल्दी हील कर जाती है। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी नी कैप पहनना चाहिए। उस कंडीशन में नी कैप पहनने से फायदा ये होता है कि जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो रास्ते में हो सकता हो आपको गड्ढे मिल जाए, या आपका रास्ता खराब ना हो, या आपके घुटने में हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो, तो जब आप नी कैप पहनते हैं तो उससे एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही वो आपके ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपके ज्वाइंट को बांधे रखता है और आपके घुटने में एक गर्माहट बनी रहती है, जिसकी वजह से वहां का लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी नी कैप पहना जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा जब आप टीवी पे कोई फुटबॉल का मैच देखते हैं या रेसिंग देखते हैं तो लोग नी कैप पहने रहते हैं। नी कैप पहनने से फायदा यही होता है कि वो घुटने को एक एडिशनल सपोर्ट देता है, जिससे घुटने में जग नहीं पड़ता और आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र बहुत ही ज्यादा होती है, उनको डॉक्टर नी कैप पहनने की सलाह देते हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने के साथ साथ घुटने की भी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको घुटने में नी कैप पहनने की सलाह देता है। उसके फायदा ये होता है कि जब आप नी कैप पहनते हैं तो एक सपोर्ट बना रहता है। ओल्ड एज में लोगों में चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने में भी दर्द बना रहता है, वो एक्सरसाइज सही से कर नहीं पाते, तो वो जब नी कैप पहने रहते हैं तो एक उनको एडिशनल सपोर्ट मिलता है, तो उनको मॉर्निंग वॉक करने में या कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी उनको चलने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नी कैप पहनने का फायदा क्या होता है। नी कैप पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके ज्वाइंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आपके घुटने को डिसबैलेंस होने से बचाता है, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो घुटने पे जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो घुटना डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो आपके घुटने को स्टेबल कर देता है। साथ ही आपके जो घुटने का लोकल ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ाता है, और अगर आपके घुटने में सूजन होती है उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा जब मौसम बदलता है तो ज्यादातर लोग घुटने में दर्द होने की कंप्लेन करते हैं। जब मौसम बदल रहा हो तो आप नी कैप पहनते हैं तो आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा जब लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो उस कंडीशन में भी नी कैप पहना जाता है। इसके अलावा अगर आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ हो, या आप किसी हिल स्टेशन पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं,
या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें घुटने पे जोर पड़ता है, उस कंडीशन में डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको नी कैप पहनने की सलाह देते हैं। चलिए मैं आपको नी कैप की नाप कैसे ली जाती है और इसको कैसे पहना जाता है उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इंची टेप ले लीजिएगा या मेजरमेंट टेप ले लीजिएगा या आप स्केल ले लीजिएगा। आपका घुटना जहां से मुड़ता है इस पे यहाँ पे एक मार्क लगा लीजिएगा। मार्क लगाने के बाद आप इंची टेप से जहां से आपका घुटना मुड़ रहा है वहां से आप 6 इंच ऊपर जाइएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है, ये आप 6 इंच ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट कर लीजिएगा। जैसे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 17 इंच, आप अपने थाइस का मेजरमेंट कर लीजिएगा और थाइस का मेजरमेंट करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जहां से आप खरीदते हैं, चाहे आप ऑनलाइन खरीदते हैं या मार्केट पे जाते हैं, इसको आप अपना साइज बता दीजिएगा। जैसे मेरा मेजरमेंट का साइज 17 इंच है, आप उसको बता दीजिएगा, वो आपको आपका साइज दे देगा। चलिए आपको नीकैप कैसे पहना जाता है उसको बताता हूँ। जैसा कि मैंने ये नीकैप खरीद रखा है और मैंने आपको कैसे मेजरमेंट लिया जाता है उसके बारे में भी बताया है। आप देखेंगे कि जो आपने मेजरमेंट लिया है, आपके मेजरमेंट साइज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि अगर आपका मेजरमेंट इन रेंज के अंदर आ रहा है तो आपका वो नीकैप ठीक है, और अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो हो सकता हो आपका नीकैप गलत हो। चलिए आपको कैसे पहना जाता है इसको बताते हैं। इसके लिए आप नीकैप खोल लीजिएगा। जब आप नीकैप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 नीकैप होते हैं, सिंगल में नीकैप नहीं आता, और इसमें आप देखेंगे कि ऊपर का पार्ट चौड़ा होता है और नीचे का पार्ट पतला होता है। जो चौड़ा वाला पार्ट होगा वो ऊपर जाएगा और पतला वाला पार्ट नीचे रहेगा। आपको जब पहनना है तो सीधे आप लेटे रहिएगा, लेटने के बाद आप अपने चौड़े वाले पार्ट को घुटने के ऊपर चढ़ाइएगा। चढ़ाने पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको नीकैप बहुत ऊपर नहीं ले जाना है। आपको नीकैप, जो आपका नीकैप है, आधा पार्ट आपके घुटने के ऊपर रहेगा और आधा पार्ट आप जहां से घुटना मोड़ते हैं उसके नीचे रहेगा। आपने ये नीकैप इसका चढ़ा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ये घुटना जहां से मोड़ रहा है, आधा पार्ट घुटने के ऊपर है और आधा पार्ट घुटने के नीचे है। ये तरीका एकदम सही होता है। अगर आपने नीकैप इस तरह पहना है, आप देख रहे हैं कि छोटा सा पार्ट ही घुटने के ऊपर है और बाकी पार्ट नीचे है, तो ये आपके घुटने को सही से कुशन्स नहीं देगा और ये नीकैप आपका नीचे गिर जाएगा। और अगर आपने नीकैप पूरा ऊपर चढ़ा लिया है, घुटने के ऊपर चढ़ा लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीकैप बहुत ही ऊपर चढ़ गया है, नीचे का पार्ट आप देखिए सिर्फ इतना ही सा है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि अब आप देखेंगे कि ऊपर का पार्ट बहुत टाइट है तो आपके घुटने के नीचे सूजन आ जाएगी। इसलिए कभी भी आप नीकैप पहनिएगा तो आपके जहां से घुटना मुड़ता है उससे आधा पार्ट घुटने के ऊपर होना चाहिए और आधा पार्ट घुटने के नीचे होना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल सही होता है। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपको नीकैप परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके क्लिक करके आप ये नीकैप खरीद सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे करेंगे तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहां पे डायरेक्ट जाके अपना नीकैप खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आपको नीकैप पहनने के नुकसान भी बता देता हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपने नीकैप गलत तरीके से पहना है या आपका नीकैप बहुत टाइट है तो आपके घुटने के नीचे सूजन आ जाती है, जो आपको काफी दिक्कत करती है। इसके अलावा अगर आप नीकैप ज्यादा पहनते हैं तो स्किन रैशेज होने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से आपके स्किन में इंफेक्शन भी हो सकता है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप नीकैप बहुत ज्यादा पहन रहे हैं तो आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने में और दर्द बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि नीकैप को आप बहुत ज्यादा ना पहनिए। अगर आप बहुत ज्यादा पहनेंगे वो आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग नीकैप दिन भर पहने रहते हैं, यानी कि कुछ लोगों को नीकैप पहनने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है, वो लोग घर पे भी नीकैप पहने रहते हैं। तो ऐसा करने से अवॉइड करें। जब आप कहीं बाहर जाएं या किसी आप आउट स्टेशन जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तभी नीकैप पहनिए, या आप जहाँ पे रहते हैं वहां का मौसम ठंडा है तो आप उस कंडीशन में नीकैप पहन लीजिए। लेकिन आप घर के बाहर जाइए तभी नीकैप पहनिए, घर पे आके आप नीकैप उतार दीजिए ताकि आपकी जो घुटने की मांसपेशियां हैं वो भी रिलैक्स हो सके। और अगर आप नीकैप पहन रहे हैं आप एक्सरसाइज भी करते रहिए। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि जब उनके घुटने में दर्द होता है जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो नीकैप पहन के करते हैं। ये गलती आप कभी ना करिए। अगर आप नीकैप पहन के एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी घुटने की मांसपेशियां प्रॉपर स्ट्रांग नहीं होंगी। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको नीकैप पहनने में या नीकैप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए
आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं और किस तरह निकैप पहनना है और उसका साइज क्या है उसको समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।